सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रॉपर्टी वॉकअवे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आपके साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके, एक नया विला लेके। जैसे कि हम लास्ट टाइम आपके साथ जुड़े थे, अगेन आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हमने प्लान की है। तो आज हम आए हैं एक नए लोकेशन सेक्टर 123 में, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पैनिश लुक में बना एक विला, जिसका जो डायमेंशन रहेगा 110 गज रहेगा, प्लॉट साइज रहेगा 22x45 और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन और अमेनिटीज़ के साथ ये विला हमें डिलीवर किया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ प्रेजेंटली, ये विला की ही लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ, इसी के बैक साइड आप देख सकते हैं जो विला है आपको प्रॉपर एक आउटलुक में दिख रहा है। अगर इसके एलिवेशन की बात करी जाए तो बहुत ही सुंदर एक स्पैनिश आउटलुक में विला हमें बना के दिया जा रहा है, जिसमें आप सामने देख सकते हैं कि टफन का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, मैट फिनिश टाइल्स का, वॉटचिनो टाइल्स का यूज़ किया गया है। सामने एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन दिया गया है, इवनिंग लाइट्स दी गई हैं, तो जिसके कारण जिसका इवनिंग एम्बियंस है या जो आउटलुक है वो बहुत ही सुंदर रहता है दोस्तों। अब इसकी जो प्लॉट साइज़ की बात करूँ, वो रहेगा 110 गज 22x45 का प्लॉट रहेगा। गेटेड सोसाइटी का कंसेप्ट रहेगा। सिक्योरिटी के लिए आपको प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फैमिलीज़ को भी शिफ्ट कर दिया गया है, तो ऑलरेडी एरिया रिजाइडिंग ही है जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हैं। अब हम चलेंगे इस विला के अंदर और नोट करेंगे इसके अंदर के फीचर्स। सो दोस्तों, ये रहेगी हमारे विला की एंट्री। जो मेन गेट रहेगा वो ये वाला रहेगा आपका, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गेट दिया गया है। उसी के साथ अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल सा हमें डोर दिया जाता है एंट्री पे, जिसका जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ ही जो ये टाइल फिनिश का काम किया गया है, वाटर चीनों के विट्रीफाइड टाइल का यूज़ किया गया है, जिससे कि क्या होता है, जो फ्यूचर में आपकी मेंटेनेंस होती है वो काफ़ी लो कॉस्ट में, अफोर्डेबल बजट में आप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हमें दिया गया है, जिसमें आप कल को अपना टू व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हैं। आगे भी एक गार्डन की प्रोविज़न है, तो ये काफ़ी अच्छा आउटलुक यहाँ पे हमें बाहर ही इस विला में मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे आप फोकस लाइट, इवनिंग लाइट्स देख रहे हैं, इंक्लूडेड दी जा रही हैं विला में, तो जो इवनिंग का एम्बियंस रहेगा, लाइटिंग का जो कंसेप्ट रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा विला का। अब हम चलेंगे इस विला के अंदर। तो अब दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने विला के अंदर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी अच्छा इसका आउटलुक रहेगा, तो सिमिलरली सर्टनली वही आउटलुक हमें देखने को मिला है। अगर हम एंटर करते ही देखें तो सामने ही हमें सबसे पहले सवाल आता है स्पेस का। स्पेस की अगर मैं बात करूँ, तो एंटर करते ही हमारे यहाँ पे आपको ड्राइंग एरिया दिख रहा है, जिसमें 7-सीटर ड्राइंग को एसोसिएट किया गया है। उसके बाद भी अगर स्पेस की बात करूँ, तो इनफ स्पेस यहाँ पे, मूविंग स्पेस, अगर आपको 10-सीटर सोफा एसोसिएट करना है उसके लिए स्पेस, तो इजिली 10 बंदों की सिटिंग हमें इस ड्राइंग एरिया में दी जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेशियस सा फीचर है इस विला का। उसी के एडजॉइनिंग में क्या रहेगा, उसी के एडजॉइनिंग में रहेगा हमारा ओपन में डाइनिंग एरिया। डाइनिंग में भी अगर आप ध्यान से फोकस करें तो 6-सीटर डाइनिंग को एसोसिएट किया गया है। जी हाँ, ना कि 4-सीटर को एसोसिएट करके स्पेस को कंजस्ट कर दिया गया है। ये अफोर्डेबल स्पेस यहाँ पे रखी गई है, 6-सीटर को एसोसिएट किया गया है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अमेनिटीज़ की, इस विला में क्या क्या अमेनिटीज़ रहेंगी, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक स्टेयर केस हमें दिया जा रहा है, जी हाँ, ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी, यूनिक फिनिश के साथ इस स्टेयर केस को बनाया गया है। टोटली स्पैनिश लुक में ये स्टेयर केस हमें दिया जा रहा है दोस्तों। इसका बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, ये सारा ही आयरन के फिनिश के साथ, ग्रेनाइट के फिनिश के साथ हमें डिलीवर किया जाएगा। इसमें जो आप साइड लाइट्स देख रहे हैं, जो पीछे फुटलाइट्स का कंसेप्ट है, वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही सटल है, और वो भी इंक्लूडेड दिया जा रहा है दोस्तों। अब ये स्टेयर केस नॉर्मल स्टेयर केस की तरह नहीं है, ये कस्टमाइजेबल स्टेयर केस रहेगा। इसको आप एनी टाइम आउटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आउटर से इनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ इसको प्लान किया गया है, काफ़ी अच्छी आउटलुक क्रिएट करता है। उसके बाद मैं बात करूँ, इसमें स्मार्ट होम फीचर हमें दिया जा रहा है इस विला में, नॉर्मली हमें विलाज में मिलता ही नहीं है, वो क्या रहेगा, अगर आप देखें तो ये जो आपको टच पैनल्स हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, सारा ही टच कंट्रोल रहेगा आपके विला में। तो नॉर्मली आपको लो क्वालिटी के स्विच बोर्ड दिए जाते हैं, यहाँ पे सारा ही गोल्ड मेडल की फिनिश के साथ टच वाला सारा कंट्रोल दिया जा रहा है। तो ये एनी टाइम अपने फ़ोन वगैरह से कनेक्ट करके आप गूगल एलेक्सा ओरिएंट कर सकते हैं। इसी के साथ इंक्लूडिंग आप देख सकते हैं कि जो फॉल सीलिंग लाइट का कंसेप्ट है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली प्लान किया गया है। एक अच्छी रोशनी इस विला में हमें देखने को मिल रही है, फॉल सीलिंग और लाइट अच्छे कंसेप्ट के साथ प्रॉपर एक सटल सी हमें दी जा रही है, अच्छी फिनिश की गई है। इवन जो बीच में बदल हुआ था वो भी इंक्लूडेड किया गया। अब हमने अभी तक देखा है इसका ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया,
वॉल सीलिंग लाइट और इसका जो टच पैनल वाला स्मार्ट होम फीचर दिया जा रहा है। अब हम दिखाएंगे आपको इसकी किचन जो भी बहुत ही अच्छी और क्वालिटी किचन में ज्वाइन होती है। अब हम आ गए हैं इस विला की किचन की और तो मैं किचन की बात करूँ तो किचन एक मेन एलिमेंट होता है हर किसी के घर का। ये काफ़ी अच्छी किचन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशंस को लिया गया है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा एलिगेंट सा कलर कॉम्बिनेशन है। किचन में सारा ही ग्रेनाइट फिनिश दिया जा रहा है। सामने सारा विट्रीफाइड टाइल का काम किया गया है। जो आप ये शीट देख रहे हैं HDHMR क्वालिटी की शीट दी जा रही है। उसी के साथ सारा ही सॉफ्ट कलर हमें दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग जो इसमें चैनल्स रहेंगे वो अच्छी क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। हाइड्रोलिक सारी फिनिश दी जा रही है। उसके साथ जो ये आप ऊपर माइका शीट देख रहे हैं ये टोटली स्क्रैचलेस रहेगी, वाटर रेजिस्टेंट रहेगी, तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है इस विला का। उसके साथ जो आप ये टैप्स की क्वालिटी देख रहे हैं ये कोहलर जैसा ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप है, तो कोहलर जैसा ब्रांड इसमें आपको डिलीवर किया जा रहा है। ऑलरेडी हर चीज़ का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, हॉब का, चिमनी का, इधर यहाँ पे RO और गीजर का भी हमें प्रोविजन ऑलरेडी करके दिया ही जा रहा है। और उसके बाद जो मेन होता है रेफ्रिजरेटर, कल को हम कहाँ लगाएंगे, तो उसकी जो स्पेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने इनबिल्ट करके दी जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छे माइनर सी चीज़ें हैं मगर बहुत ही अच्छी चीज़ों को प्लान किया गया है, हर चीज़ को एसोसिएट किया गया है। ऑलरेडी बस आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, अपना सामान लेके आना है और बस एसोसिएट करना है। प्लानिंग ऑलरेडी इस विला में की गई है। उसी के साथ में रहेंगे हमारे बेडरूम्स। तो बेडरूम्स की बात करूँ तो एंट्री डोर हाइट रहेंगी वो 8 फीट की रहेंगी। बेडरूम्स भी काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ हमें दिए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ और देखते हैं इनका व्यू। बेडरूम नंबर 1, तो इस बेडरूम की अगर बात करूँ तो सबसे पहले फॉल सीलिंग प्लस लाइट हमें इसमें इंक्लूडेड दिया जा रहा है दोस्तों। काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ मैं देख पा रहा हूँ फॉल सीलिंग लाइट को डिज़ाइन किया गया है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ जैसे कि आप यहाँ पे बेडिंग वगैरह देख सकते हैं, प्रॉपर एक आफ्टर बेड इंस्टॉल करने के बाद जो स्पेस बचता है वो काफ़ी अच्छा बचा है, मतलब इनफ मूविंग स्पेस है, कंजस्टेड नहीं है बेडरूम्स। 110 गज में भी इतना स्पेशियस विला हमने आज तक नहीं देखा, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। उसी के साथ यहाँ पे एक LED पैनल बहुत अच्छा प्लान किया गया है जिसको आप इजीली देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ अटैच वॉशरूम का कंसेप्ट है दोस्तों, अटैच वॉशरूम का कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। तो इसका जो फिनिश रहेगा वॉशरूम का वो अगर मैं आपको बताऊँ तो सारा ही कोहलर जैसा ब्रांड यूज़ किया गया है। फुल हाइट तक टाइल दी जा रही है, एंटी स्किड फ्लोर दिया जा रहा है, इवन कोलर का ही बेसिन यूज किया गया है यहाँ पर। इवन यहाँ पर भी इन्होंने विंडो का प्रोविजन दिया है जो एक नेचुरल लाइट वेंटिलेशन को बनाकर रखा है हमारे वॉशरूम में। उसके साथ ही जो एक ओल्ड स्कूल लुक होती थी एक टाइम पे, यहाँ पे 3-3 टैप्स का प्रोविजन किया जाता था, उसको थोड़ा सा हट के एक फैशनेबल लुक को दिया गया है, जहाँ पे भी डेविएटर का यूज किया गया है जो कि कोलर की कंपनी, इतनी बड़े कंपनी का दिया जा रहा है हमें। तो काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वॉशरूम में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन शॉर्ट अगर मैं आपके साथ बात करूँ। उसी के साथ जो मेन होता है वो होती है वार्डरोब्स। जी हाँ, बेडरूम में वार्डरोब हमें इंक्लूडेड दिया जा रहा है, यहाँ पर फुल हाइट तक वार्डरोब इंक्लूडेड मिल रहा है बना बनाया। तो इसमें माइका के कलर्स काफ़ी अच्छे दिए जा रहे हैं, अच्छी फिनिश के साथ ये वार्डरोब। इसके अगर स्पेस की मैं आपके साथ बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मेंटेन किया गया है दोस्तों। प्रॉपर ड्रॉर्स बनाए गए हैं, नीचे शू रैक्स बनाए गए हैं, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए ऊपर कैबिनेट्स बनाए गए हैं और ये सारा ही सॉफ्ट क्लोजर के साथ हमें डिलीवर किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो इस विला में हमें देखने को मिल रही हैं। उसी के अगर मैं बात करूँ, इसी के एडजॉइनिंग में रहेगा आपका वॉशिंग एरिया, लॉन्ड्री एरिया या यूटिलिटी एरिया, जो भी आप इसको कहना चाहें। ये रहेगा हमारा सारा ही वॉशिंग एरिया दोस्तों, ओपन टू स्काई रहेगा, नेचुरल लाइट वेंटिलेशन एवरी टाइम रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। वॉशिंग पॉइंट्स का प्रोविजन ऑलरेडी हमें यहाँ पे किया कराया मिल रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो एड ऑन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को प्लान कर लिया गया है, एसोसिएट कर लिया गया है, आपको बस आके अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। साथ हम आ गए हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसा कि हमने फर्स्ट बेडरूम देखा तो बहुत ही सुंदर था, अच्छे तरीके से प्लान था, उसी की तरह अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें फॉल सीलिंग लाइट इस बेडरूम में भी इंक्लूडेड दी जा रही है, काफ़ी अच्छी फिनिश बनाई गई है इस फॉल सीलिंग लाइट की। इसी के साथ इसमें भी अटैच वॉशरूम का प्रोविजन यूज़ किया गया है, सेम क्वालिटी कोलर जैसा ब्रांड दिया गया है,
साथ में ही इसके ही हमें वार्डरोब भी दिया जा रहा है। जी हाँ, ना कि सिर्फ उसी बेडरूम में, इंक्लूडिंग सेकंड बेडरूम में भी हमें वार्डरोब दिया जा रहा है दोस्तों। अब इसमें जो एक बेस्ट पार्ट वो क्या है, यहाँ पे हमें विंडो का प्रोविजन दिया जा रहा है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तो इसका खासियत क्या है कि कई फैमिलीज अपने लिए विंडो इसी प्लान करती हैं इन फ्यूचर में, तो उसका भी एक प्रोविजन अच्छा है, यहाँ पे फुलफिल हो जाता है फ्यूचर में विंडो एसी की नीड वाला। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो अब तक हमने सारा ग्राउंड फ्लोर कवर कर लिया है दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर में हमने देखा ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, उसके एडजॉइनिंग में हमारी ओपन किचन, दो बेडरूम्स और अटैच वॉशरूम और एक पीछे वॉशिंग एरिया। तो अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखेंगे इस विला का फर्स्ट फ्लोर। इसी के साथ अब हम आ गए हैं इस विला के फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर बहुत सुंदर था, अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पे भी सुंदरता में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ऊपर आते ही एक हमें बहुत अच्छा ओपन एरिया टाइप दिया गया है जहाँ पे हमने सेटिंग प्लान किया है दोस्तों। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग पूजा रूम, बार, अपना प्लेइंग एरिया, बच्चों के लिए किड्स एरिया, लाइब्रेरी, कुछ भी प्लान कर सकते हैं। एक अच्छी मॉल का आउटलुक दिया गया है, तो काफ़ी एलिगेंट सा एक जो एलिमेंट है इस विला का, ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ ऊपर और क्या रहेगा, तो आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं ऊपर रहेगा हमारा एक बेडरूम और। जी हाँ, सेकेंड थर्ड जो बेडरूम रहेगा विला का वो आपका फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। इस बेडरूम की बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस और सटल सा ये बेडरूम हमें देखने को मिल रहा है। नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविजन, काफ़ी बड़ी विंडो का प्रोविजन किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे अटैच वार्डरोब इस रूम में भी हमें प्रोवाइड की जा रही है। हमें तीनों रूम्स में वार्डरोब दी जा रही है और अच्छी क्वालिटी की वार्डरोब दी जा रही है। अब इसमें जो बेस्ट पार्ट है, इसके साथ भी हमें अटैच वॉशरूम का प्रोविजन मिल रहा है, जो कि अगर मैं बात करूँ वॉशरूम की तो काफ़ी ही स्पेशियस हमें वॉशरूम मिल जाता है। अगर आप एक फ्यूचर प्लान करते हैं जकूजी वगैरह इंस्टॉल करने का, तो आप इजीली इस वॉशरूम में बिना सोचे समझे कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पेस है इस वॉशरूम का वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इनफ है एक जकूजी प्लान करने के लिए। फुल हाइट में यहाँ पर भी टाइल का फिनिश किया गया है, 3D टाइल का यूज़ किया गया है। उसी के साथ अगर आप इस बेडरूम का जो फ्लोर देखेंगे वो सारा ही वुडन किया गया है। नॉर्मली आपको टाइल्स का कंसेप्ट मिलता है, यहाँ पर वुडन फ्लोर का कंसेप्ट दे के बहुत ही अच्छी चीज़ एक प्लान की गई है। इसी के एडजॉइनिंग में क्या रहेगा, इसी के एडजॉइनिंग में रहेगी हमारी फ्रंट बालकनी का एक्सेस। तो यहाँ पे हम बढ़ते हुए देख सकते हैं हमारी फ्रंट बालकनी का एक्सेस यहाँ से रहेगा दोस्तों। ये काफ़ी 3 फिट की विड्थ के साथ हमें काफ़ी लंबाई में ये बालकनी मिल रही है। टफन का फिनिश किया गया है स्टेनलेस स्टील का यूज़ करके, तो काफ़ी अच्छी एक आउटलुक यहाँ से हम इवनिंग व्यू यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों आ गए हैं हम इस विला के फर्स्ट फ्लोर पे ओपन टेरेस पे। तो हमें कुछ एरिया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, कुछ एरिया को आजकल ओपन टेरेस छोड़ दिया गया है। तो बात करूँ इसके छोड़ने का रीज़न क्या है, कभी तो आप छोटी मोटी गैदरिंग करते हैं या अपनी कंस्ट्रक्शन को एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो आप इस ओपन एरिया में यूटिलाइज कर सकते हैं इन नीड्स को। उसके बाद अगर बात करूँ जो आपकी पार्क्स की प्रोविजन रहेगी, स्कूलिंग रहेगी, वो सेक्टर 123 में ऑलरेडी हमें मिल रही है, आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है। आपके सामने ही विला का एक बहुत बड़ा पार्क रहेगा जिसकी जो डायमेंशन रहेगी 2.5 एकड़ का पार्क आपको दिया जाएगा दोस्तों। इसी के हार्डली 150 मीटर दूर बैक साइड पे मेरा 200 फीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी आ जाती है। तो मैं बेसिकली आपको यही बताऊंगा कुल मिला के जो इस विला को हमने अभी तक देखा, ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना ये बाहर से था। उसी के साथ साथ अगर जो इसकी लोकेशन है, सराउंडिंग है, वो बहुत अच्छी है दोस्तों। जो यहाँ जेनेटरी बहुत अच्छी है, स्कूलिंग बहुत अच्छी है, एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी है, आज की डेट में हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है इस एरिया की। जी हाँ, तो एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर प्लान करते हैं, रेजिडेंशियल वैल्यू प्लान करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मिल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये विला हमारी, ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई होगी। तो मैं वेट करूँगा आपके कॉल्स का, दिए गए नंबर्स पर कॉल करना ना भूलें, जल्द से जल्द विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी वॉक अवे। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद साइड पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी वॉक अवे।